रत्ने कल्पितमासनम हिमजले स्नानम च दिव्यांबरम नानारत्न विभूषित मृगमद मोदांकित चंदनम जाति चंपक बिल्व पत्र रचितम धूपं च पुष्पं तथा दीपं देवदया निधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यतां हृत्कल्पितं गृह्यतां। हे पशुपते, आपणंकर ये अपूर्व श्रावण मासरे आज हूँ से प्रसंग, आउ से प्रसंग हूँ उन्नतरे आपणंकर दिव्य प्रसंग, जो दिव्य प्रसंग भितरे आमे आज नेइछु पार्वती परिणय। पार्वती परिणय ये प्रभुंकर एक दिव्य भव्य प्रसंग। श्रावण मासरे ये पार्वती परिणय को जो माने श्रवण करती ता पुण्य तो कहिवा भावरे व्यक्त करिबा होची एक अभावनीय भाव। जो प्रसंग को श्रवण कले अनेक प्रकार पाप तापर मुख्य मिली थाए, आउ ये प्रभुंकर ये होची एक सुंदर प्रसंग। ये प्रसंगर अयमारंभ कौन ना जितेबले आम दक्ष यज्ञ आलोचना करूले, दक्ष यज्ञ आलोचना कला बेले जितेबले सती निजर देह को निजर कूलकुंडलिनी जात करिथिबा अग्नि स्वरूपा माँ अग्नि दग्ध करिदेले, से समय सतींकर मरण काल गोटे चिंता थिला। मरण काले भवानी बर मागिने ले जन्म जन्म भक्ति मोर शिव पाद तले। मरण काल रे सतींकर एया थिला जाचना जे जेते थर मु जन्म नेबी एई शिवंकर पदांग को अनुसरण करूथिबि। तेणु ये सती कौटी जन्म हेले ना हिमालयंक घरे पार्वती हेले, पर्वत कन्यारु ना हेला पार्वती। ये संसार रे, ये सृष्टि रे, ये सनातन धर्म रे समस्ते देवता से दिन हिमालयंक घरे जेतेबेले सती जन्मलाभ कले राणी होछंती मेना। हिमालय पर्वतर आनंद कहिले न सरे, अपूर्व भाव रे से दिन हिमालय राज्यर शोभा को वर्णना करिबा हुए तो अधमरे भावाधम हेई पारे। आउ से हिमालयर शोभावर्धन करी तांक घरे जेतेबेले कन्याटिए जन्मलाभ करिछि, ये कन्या केमिति आसंती ना सौभाग्यरु कन्या प्राप्ति हुवंती। हुए तो शास्त्र कहे पुत्रार्थे क्रियते भार्जिया, पुत्रमानंक पाई बा पुत्र लाभ पाई भार्जिया ग्रहण करा जाए। किंतु जहार सौभाग्य थाए ता घरे कन्या जन्मलाभ हुए, कन्या सौभाग्यरु प्राप्ति हुवंती। तेणु हिमालयंकर मन से दिन आनंदरे आनंदित कहले मो घरे कन्या लाभ होइछि। ये पार्वती श्रद्धार प्रतीक, शंकर भगवान होचंती विश्वासर प्रतीक। तेणु ये श्रद्धार प्रतीक पार्वती जेतेबेले जन्मलाभ करिचंती से पुरर शोभा तो अवर्णनीय होइछि। हिमालय रजार मन मन भी आनंदित, मेनाराणीर मन भी आनंदित। ठीक ये आनंदर भवन भितरे ये आनंद 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 भितरे से दिन हिमालय पर्वतरे गुंजरित हला नारायणकर नाम। नारायण नारायण जपंती मुनि, नारायण नारायण कैवल्य दानी, नारायण नारायण संसार रे सार, नारायण नारायण भव उद्धार। ये नारायण शब्द करिकरि आसुथिले किए ना तिनि पुरर सांबादिक भक्ति सूत्र आचार्य मुनि नारद। नारद आसिकी तले पहुँची गले हिमालयंकर घरे, मेना पदधौत कले आसन देकर बसैले, हाथ जोड़ी कहले तुम्भे त्रिकालज्ञ सर्वत्र तुम्भर गति हे मुनि पुंगव, सुतार मोहर भविष्यत कथा लक्षण देखि कहिब। कहले हे मुनि पुंगव, आपण को यकी प्रार्थना यकी आराधना हे मुनिपुंगव, ये जो नवजात कन्याटी आम घर को आसी, जो सुंदर कन्या आम घरे प्रतिपालित तो हो, जार नाम रखिचु पार्वती, यार टिके भविष्यतर कथा को टिके बखाणिकी कह। सकल जगतर जनमानसर जहाँ मानसिकता थाए से दिन से मातृ मानसिकता को लेकर पचारि देती जिते बड़े नारद महामुनि को। नारद महामुनि कहते कह मुनि भी हसी गुढ़ मृदुबानी, सूता तुम्हारी सकल गुण खानी। मुनि कहते हसब खाणिले मुनि तुम्भ एतनया, सर्वगुण खणी नाम उमा महामाया। कहले ये जो कन्या तुम घरे जन्मलाभ करिछि ये सकल आनंदर खणी, ये सकल श्रद्धार पात्री,
ये कन्या जुग जुग धरिकी तुम नाम को उन्नत कर सबु भल कथा जिते भल भल मुनि बखाणुं मातृप्राण पितृप्राण से उद्वेलित होती आनंदित हो मेना आहुरी पचारुंट कह कौन टे कहतु आउ कौन टे कहतु हे मुनिवर मन कहीं आहुरी जानवापी व्यग्र हो मुनि कहले जदि एत व्यग्र होल सुल छना सूता तुम्हारी सुनहु तब गुण अवधारी कहले ये सूता हूँ तुम सर्वसुलक्षण जदि ये जानवा को चाहूच यार किसी अवगुण भी अच्छी हाथ जोड़ीदे हाथ जोड़ीदे दाम्पत्य जीवन सुख को लेकर से दिन पर्वत राज हिमालय एवं पत्नी मेना कहले कौन कहते अवगुण कहतु कहतु मुनि कहले कहले अगुण मान मातु पीतुहीना उदासीन सब संशय छीना कहले जेतेबेले विवाह वयस आसीबो कन्या तो तुम घरे सबुदिन रहिबनी ना कन्या शशिकला पर बढ़िबो विवाह वयस हब जौवन प्राप्त हब से समय जहाँ को विवाह करिबो से जहाँ को विवाह करिबो से विवाह करिबा को गला बेले गोटाए विचित्र घटना घटिबो ये कन्यार हस्तरेखा कहुची कहले कौन ना जहाँ को विवाह करिबो से हेथिबो कौन ना मान सम्मान तार नथिबो से पिता माता तार कौटी तार पितृमातृ परिचय से बड़ उदासीन हो संसार विहीन हो से जड़े जोगी हो से जड़े जटिल प्रकृतिर लोक ताखे काम भाव से निष्काम मन से नग्न से दिगंबर तार बेश अमंगलकर से पुणी उदासीन एत सब कथा कहीदेला कौ पितृमातृ मनवा विगलित तो न हुआ कौ पितृमातृ मनवा आनंद निरानंद को चली न जाता से दिन निरानंद भितर कहते एक आपड़ कहते मुनिवर केमी कहते मुनिवर एक एत सुंदर कथ कहू कहू पुणी एमतिका भविष्य आर एमतिका भविष्य आपड़ कहते अगुण मान मातु पीतुहीन जोगी अमंगल बेश संशय विहीन चिर उदासीन होइब तार प्राणेश कहले तार प्राणेश जी हब से यही अगुण अमान मातृ पितृहीन एत कथा कहीदेला पर हाथ जोड़िकी कांदी कांदी हिमान हिमवंत आउर राणी मेना आखिर गड़ू धारधार लुह हृदय अनंत कह कहले हे मुनिवर किसी यार प्रतिकार देखु प्रतिकार देखु नारद महामुनि टी हसीदेकर कहते कहले नारद शुण हिमवंत भाले जा लेखिची भी बेदेवना नरनाग मुनि जनु आदि मेटाई पारे ना कहले नारद कहले शुण जहाँ ता कपाल लेखाही जहाँ ता बिही लेखिदे कपाल भवितव्य जहाँ अवश्य घटव के ताहा कर आन आउ किए अबा से ही ज्योतिष चक्र गति रोधिवा कोल बान कहले जहाँ भवितव्य लेखाही कही हटे पारे से कपाल रेखा को कही लिभे पारे मु कौन स्वयं नारायण जदि आसती लिभे पारे तेणु जहाँ घटवा कथा घटव से धैर्य धर मो आखि आगे गोटाए बर देखा जाए किए मो पाखे एमती गोटे बरपात्र सन्धान अच्छी जो जो गुणगुड़िक सब कहली सबू गुण ताखे एकत्रित से जड़े कुन तर कूल अच्छी गोत्र अच्छी सब अच्छी जी सकल इंद्रिय को संयम कर खेचरी मुद्रा रे साधन करी आउ खेचरी मुद्रा रे साधन करी पुणी एमितिका रस पान करुची से रस होची कौन ना से रस होची पिबे तो अमरा वारुणी कहले से मृत्युंजय से एमितिका अमर रस पान करी जो सोमरस ता ब्रह्मरंद्र निर्गत सोमरस सकल समय रे हरिनाम राम नाम ज्ञान करी एभलिका कुलीन वरर संधान मु तुमको देवी से वर ही ये कन्यापाई उपयुक्त वर पात्र हब तेणु यही भाव में इंद्रिय संयम करा किए से बर बोल जिते बड़े जानवापी व्यग्र हूँ कहले से बर होती केवल भगवान शंकर मंगलमय दिय हिमवंत आना चाहते कहले शंकर भगवान को प्राप्त हम मो झी ना ना आपण कहते कि ना बोली पुणी आपण कहते से कुन से इंद्रिय संयमी से पुणी ब्रह्मरंध्र सोमरस गढ़ुची पान कर सदा सर्वदा ध्यानमग्न सदा सर्वदा हरिस रामरस पान कर भक्तिर आराध्य देवता सकल अमंगल भितर मंगल साधन देवता तांकु मो कन्या केमिति पाइब आदि पाइब ये अमंगल दियं पाइक कौन मो कन्या सुखी हम जी सर्प को भूषण करे दिगंबर जहाँ वस्त्र भितर कौन से आभूषण संज्ञा ना सबू शुणिला नारद महामुनि कहले से समर्थ पुरुष
विष पान करिकि मध्य से मृत्युंजय विष्णु शेषनागरे सोइथला बेले बि से समर्थ सूर्य सबु जागरे किरण प्रदान करंती सत किंतु सूर्य समर्थ सूर्य भावंती ये जगाटा खराब जगह ये किरण देवीनी ये भल जगह ये किरण देवी गंगा नदी सकल जल को प्लावन कर दिए ता बक्ष को मईला आसे ता बक्ष को पुण्य पुष्प आसती सकल जीरस को लेकर गंगा प्रवाहित हमें तेणु गंगार कलंक न थाए से भाव में शंकर भगवान होंगे निष्कलंक माँ पार्वती एक शुणुले कहले मु शंकर भगवान को प्राप्त करने मोर मन बलानी कहे शंकर भगवान को एमती सेमती प्राप्त करहबनी कहे केमी प्राप्त करहब ना तपस्या जदुराप जदुस्तर जदुर्ग जत्थ दुष्कर्म तत्सर्व तपसा साध्य तपे भी दुरीतांग्रम कले तपस्या हूँ गोटाए मार्ग जो मार्ग रे ये सकल मनोरथ पूर्ण करी पारिब माँ पार्वती कले मु तपस्या करी कले तपस्या करी पारिब कष्ट तपस्या करने को पड़ कुछर तपस्या करने को पड़ कले पारि जिते कष्ट भी पारि मेनाराणी मन बुझेलानी कहला तुली तल्प शज्ञा बढ़ई कन्याटा को मोर तपस्या करिबो कौंठी पाषाण देहर जाइकरी बसिबो केते कष्ट कले तपस्या करिबाकु पड़िबो तपस्या कला बेले ताउ ये चंद्रातप नथिबो ये राजमहल नथिबो ये तुली तल्प सज्जा नथिबो तेणु ये सबू नथिले तू पारिबो माँ तपस्या करी कले पारिबी मन भितर दृढ़ संकल्प हेले माँ पार्वती तपस्या करिबाकु बाहरले तपस्या करिबाकु गला बेले मेनाराणी भितर हृदय भितर अपरूप कोह को चापी रखी से दिन हुए तो झील को विदाय देला गोटे गिरीशृंग उपर जाइकरी बसिले माँ तपस्या करने जो गिरीशृंगे बसिले से गिरीशृंगटे हूँ गोटे मयूर मंडित शृंग जहाँ को आम परवर्त पर्यायर गौरीशृंग कहलु आई गौरीशृंग बसि ऋषि भली माँ पार्वती सजेई हेले मुंज मेखला परिधान कले जटाजूट धारण कले कुश संग्रह कले कुश संग्रह कला बेले पार्वती जो कल आंगुली जितेबाला कुश छिंडेकि आणुला कुश छिंडेकि आणला बेले कविकूल तिलक कालिदास कहले कहले अकारितत पूर्व निबंधयातय सरागमस्य रसना गुणस्प्रदम कहले हाथर आंगुली छिंडीगला हाथर आंगुली रक्त बाहर तथापि निवृत है कहले कृषाकुरां दान परीक्षितांगुी कृतक्ष सूत्र प्रणयी तावर कहले हाथर आंगुली छिंडीगला रक्त धारधार होकर बहला तथापि माँ कुश संग्रह कले तपस्या कले आउ तपस्या कला बेले माँ जिते शोले हस्तर आउ गोटाए कर्म भी थिला कले कौन ना ये हस्त को तले रखिकी स्तंडील तकिया रूप से व्यवहार करके माँ शोले से प्रस्तर उपर जम संयम नियम व्रत पालन कले पार्वती जो जगार माँ पार्वती तप करुले से जगार से जो जंगल प्रदेश थिला सेठ बैरभाव दूरेगला बैरभाव दूरेगला तार अर्थ हूँ या व्याघ्र आ हरिण भितर मित्रता आसला मूषिक आ मार्जार भितर मित्रता आसला यही भाव में ऋषि माने जो माने से स्थान तपस्या करुले हिमालय बक्षे से माने आचंबित हेले ऋषि माने आचंबित होकर कहले कौन कहले नुहे वृद्ध से ही जन शुक्ल केश अटे जार शिर जौवन जे ज्ञान रत देवे बोलती स्थबीर कहले ये हूँ से स्थबीर ये जौवन रू जे ज्ञानरत जार ज्ञान शक्ति एत अधिक तेणु ये भाया ज्ञान शक्ति शक्ति पाखे ऋषि मैंने हार मानिले आउ ये हार मानवा समय भितर हुए तो परीक्षा करने दिने जाकर शंकर भगवान जिते माँ पार्वती ये कठोर तपस्या चलला से कठोर तपस्या भितर ऋतु ऋतु पर ऋतु परिवर्तन होता ग्रीष्म ऋतु अग्नि जाकर माँ तपस्या कले पुणी धीरे धीरे माँ खाद्य छाड़देले भोजन परित्याग करदे जिते भोजन परित्याग करदे माँ केवल पत्राहार करुले पत्राहार को परित्याग करदेलापर माँ को ना हो गला अपर्णा पुणी से अपर्णा नाम को धारण करदेला शीत ऋतु आसला शीत ऋतु जोबले आसी माँ का पाखक शीत ऋतु आसला बेले माँ को जो कष्ट हिमालय पर्वत शीत ऋतु को पालन करवा शीत ऋतु को धारण करवा शरीर में जो कष्ट से कष्ट को माँ सहला बेले से दिन हुए तो कालिदास वर्णनारे लिखिले कहले मुखे न सा पद्म सुगंधिनानी पर्वेतमाना धरपत्र शोभिना तुषार वृष्टि क्षत पद्म संपदा सरोज संधान शिवा कहले जो मुखपद्म थिला माँकर जेतेबेले दुईटा ओठर स्फुरण घटुला सेतेबेले जणा जाउथला सते कि काकर बिंदु पड़िकी क्षताक्त पद्मटा धीरे धीरे हली जाउची क्याउ क्षताक्त पद्मटा संकुचित हो जाउची क्याउ एई भावनार उच्चाट भितरे माँ पार्वती सकल ऋतुमानंकु धीरे धीरे जेतेबेले अतिक्रम करिगले कठोर तप आचरण कले ये कठोर तपर अंतिम पर्याय आसला
अंतिम पर्याय जत आसला से अंतिम पर्यायर प्रभु भगवान शंकर जे ऐश्वर्य धर्म जश ज्ञान श्री एवं ब्रह्मचर्यर अधिकारी से शंकर भगवान दिने हुए तो चाहिले माँ को टे परीक्षा करी कहे जी मोपाई प्रिया साजिश जी मोपाई प्रणय बल्लरी साजिब ताको मु निजे परीक्षा करी ब्रह्मचारी बेस भगवान शंकर जाकर पहुँचिले माँ का पाखे पहुँचला बेले शंकर भगवान कहते अपि क्रियार्थं समितंकुशः जलान्यपि स्नान विक्षतं माणिते अपि शोकस्या तपसि प्रवृतसे शरीर माध्यम खलुधर्म साधनम। से दिन हुए तो भगवान शंकर पचारिंट शरीर माध्यम खलुधर्म साधनम कहले आपण ये जो तपस्या करुंचपण को उपयुक्त परिमाण में समिध मिलुचित कुश मिलुचित देवपूजा करने स्नान जल मिलुचित तो, आपण समर्थ अनुसार तपस्या करुं तो आग शरीर को देखु तापर तप आचरण करतु ये अनेक उपदेश से दिन फेरीगले हुए तो मंगलमय भगवान शंकर आउ से भगवान शंकर फेरीगला बेले माँ पार्वती तप पूर्ण हो आसुला शंकर भगवान किंतु तपस्या बसी देवगण अत्याचारित तो होते कहार अत्याचार ना देवगण अत्याचार मूलमंत्र किए ना हुए तो असुर अत्याचार से दिन देवगण अत्याचारित तो होता बेले देवगण पाखे तारकासुर को बद्ध करने गोटे उपाय थी तारकासुर जो वरप्राप्त होता से शिवंर पुत्र आसिले ही देवसेनापति हम आउ तारकासुर बद्ध हम शिव तो बहित ही ना शिवं पाखे तो सती आऊँगी तेणु ये पार्वती प्रस्तुत है परिणय हेले सिना पुत्र जन्म हेले सिना तारकासुर बद्ध हम देवगण सकल जाक इंद्रादि सकल देवगण कंदर्पं सहित शिवं उद्देश्य कंदर्पर पंचप्राण जो प्रयोग करदे से दिन तृतीयानल अग्नि हुए तो कंदर्प भस्मीभूत हेले किंतु देवगण अपूर्व भाव स्तुति करने को लगिले कर्णामृत मृत स्तोत्र कर्णामृत स्तोत्र स्तुति कला बेले अत्यंत आनंदमय हो गले शंकर हे शंभु शिव हे महेश्वर विभु हे वाराणसी प्रभु हे मृत्युंजय हे हिमाद्री तनया प्राणेश हे शंकर यही भाव में अपूर्व कर्णामृत स्तोत्र पाठ चलला आर्णामृत स्तोत्र आनंदित शंकर से दिन देदेले सन्मति जे मु विवाह करी बोली कहा को विवाह करिवे ना पर्वत कन्या पार्वती की विवाह करिवे आ विवाह पई प्रस्तुति चलला बेले सकल देवगण मध्य आनंद हला प्रभु स्वयं नारायण मध्य कहले कहले मु मध्य देखिबी निज नयन रे पार्वती तप प्रभाव कौ भलिया झियो से पार्वती ए भलिया तप साधन करिचि जो तप हुए त आउ जगत रे किए केबे करिवो न करिवो से कथा कहिबा मध्य बाहुल्य हे पड़िवो काहे कि ना पार्वती के भलिया तप साधन करिबा एते सहज नुहे से भाया तप आउ कहीं साधन करें तेणु से ही साधनार उच्चाट भितर से दिन हुए तो शंकर भगवान बहुत देखापी सकल देवगण प्रस्तुत हेले आई प्रस्तुति भितर भगवान शंकर भी प्रस्तुत हेले शंकर भगवान जो भाव प्रस्तुत हेले से प्रस्तुतिर पर्व जाणी नित्यांत आवश्यक मुंडे शोभा पाइले किए ना द्वितीया चंद्र जटाजुट को टिके हुए तो सजाड़ी दे शिवगण पुणी मस्तक धारधार कर गड़ पड़ुं गंगा मो सर्वांगे सर्प हस्तर गहना सर्प बेकर गहना सर्प पुणी अंटारे सर्प बाघ छाल गुड़े अंटारे भस्म विलोपन शरीर सुंदर भाव में बसिले वृषभ उपरे समस्ते ससुर घर आड़ को मुह करके जाती प्रभु ओलटा बसिले वृषभर मुह जुआड़े प्रभुंर मुखता विपरीत दिग आड़ को अपूर्व भाव में बसिकी शिवगण जिते चली भूत प्रेता दिगण सकल देवता मैंने आगे पछरे जाती बर बरजात्री आगे पछरे बर जिते हिमालय राज्य भितर को प्रवेश कर जाती हिमालय राज्य भितर मन भितर आनंद समस्त मनरे आनंद पार्वती भलिया झीर बाघर देखापी किए से बर आसुची बोली प्रथम देखला बेलू चली देवराज इंद्र कहे ये बर बढ़िया सुंदर होती देवराज कहले मु बर नुहे ना बर ना पछरे पछ को चाहला बेलू ब्रह्मा कहे टी बुढ़ा सीना कि बर भल कहे ना ना मु नुहे पछरे पछरे देखला बेलू आसुचार किए ना स्वयं नारायण तेजदीप्त कांति अपूर्व सुंदर चेहरा कहे यही बर हो कहे ना ना मु बर नुहे पछरे बर आस जिते बर को देखी दिंती सकल प्रजागण कबाट किणिकी दौड़े किए भूत प्रेत पेशाज आदि देखा बेलू कह मस्तक अच्छी तो कह मस्तक ना किए रुधिर पान करुच्ची तो किए उन्मत्त नृत्य करुच्ची निजे प्रभु भस्म विलेपित भाव में व्याघ्र चर्म परिहित ही बसी भगवान भोलानाथ शंकर देखिकी दौड़ी आसे मेना राणी पाख को कहे मेना कि भाया बर करू कौ भाया झील को क्या दान करदेचु एक जिते कहती मेना कहले मुझ तो बर देखनी ये नारद बाबाजी कथार पड़ी हुए तो बर कन्यादान करी बोली मनरे मन बल
पलैछि जतेबेले अर्घ्य थाली धरिकरि आसन्ति मेना बन्दापना करिबा पई बरर रूप देखि देला बेळकु अर्घ्य थाली रे बन्दापना करिबे कोन चेता शून्य होइ पडिले मेना चेता फेरि आनिला परे मेना पचारुचन्ति कहले नारद ये संसारर नियम होउछि कन्या वर एते रूपं माता भीत पिता सुतं बांधवा कुल निच्छन्ति मिष्टान्न इतरे जनाः कहले कन्या वर एते रूपं मो झिओटा किछि जानिनि हुए तो केमिति करिकरि बाहा हबो बोली कथा देइदेला सिना कौ गुण कौ रूप कौ जश कौ ऐश्वर्य देखिकरि मोर एई भलिया झिओ को नेइकरि एई भलिया बर सांगर विवाह करिबो बोली जोडी देइछ नारद तमर सिना घर संसार नाही मोर कोन घर संसार नाही मो झिओ को भसेइ देइछ मो बाहाघर करिबिनि। नारद महामुनि बुझेले कहले मेना शुण जगत रे जो शुल्क कहिल कन्या बर एते रूपं माता बीत पिता सुतंग बांधवा कुल छन्ति एक कथा सत किंतु शुण शुण मेनाराणी कन्याटिए दान कला बेले समस्त सकल जगत पिता माता सकल सृष्टि समस्ते चाहती तांको कन्या सधवा हो बोली एक कथा सत ना मिछ कहले हाँ कहले तुम जो कन्या को बाह मु जहाँ सांगे देची से कन्या सदा सधवा तार वैधव्य तो वैधव्य ता स्वामीर मृत्यु ना से मृत्युंजय तेणु से मृत्युंजय भगवान सहित मु पार्वती की जोड़ी आउ एक सत जुगे जुगे शिव पार्वतीर आउ पार्वती शिवर या तुम्हें केवे वर्णना करें भी अलग करना तेणु राजी हो जाओ राजी हेले मेना अर्घ्य थाली धरी वंदापना कले बाहाघर आरंभ है बाहाघर जितेबाला आरंभ है संपूर्ण वैदिक रीति से शिव पार्वती परिणय वैदिक रीति से परिणय आरंभ हो गला बेले से दिन हुए तो पुरोहित साजी पुरोहित जिते पचारि दौंस कहले आपणकर तीन पुरुष कथा कहवाक पड़ो पचारा बेले तीन पुरुष कहले आपण ना कौन ना मो ना शिव ना आपण बापा ना पचारा बेलू टी आड़ साड़ को चाहिए नारद कहले कही दौना ब्रह्मा कहले ब्रह्मा कहले बापा ना चाड़ पुणी एपट सेपट चाहिए कहले विष्णु कहले बापा ना कहले मुझे आउ तार किसी उपाय ना कहले कि बापा ना मत पचारुच ये सकल जगतर सृष्टि होजे सृष्टिकर्ता आउ पचरा गलानी विवाह कार्य चलला मंगल ध्वनि मंगल बाद्य शिव पार्वती जो अपूर्व परिणय है से अपूर्व परिणय को हे तो जगत देखला आउ से जगतर से शिव पार्वती परिणय भितर आम कर्मकांड को आदरी आणलु आउ से कर्मकांडर आदरणीय भाव आम हुए तो वैदिक बहुत आज से ही शिव पार्वती नहीं शंकर पार्वती को ईश्वर भाव वंदना करी श्रद्धा विश्वास को साक्षी रखी आम सनातन धर्मर वैदिक प्रक्रिय बहुत कार्य को संपादन करुचु से दिन हुए तो माता पिता बहुत संपादन हो सारापर अर्घ्य थाली धरी जितेबाला मेना वंदापना करने को आसिले वंदापना करुंट मेना कले रत्ने कल्पित मासनम हिमजले स्नानम च दिव्यांबर नाना रत्न विभूषित मृगमद मोदांकित चंदन जाति चंपक बिल्व पत्र रचितम धूपं च दीपं तथा धूपं देवदया निधे पशुपते हृत्कल्पित गृह्यतांग अपूर्व भाव में मेना वंदापना कले अर्घ्यचामर पड़ा सकल जगत प्रजाकूल आनंदित हेले सकल देवगण आनंदित हेले चक्षुर अश्रुल नयन रे माँ पार्वती को विदाय देला बेले हुए तो हिमालय राजदरबार एवं निजे हिमालय एवं निजे मेना अश्रुल विदाय देथिले माँ पार्वती को देवदेव शंकर को सकल जगतर कल्याण वांछना करने से श्रद्धा विश्वास भक्तिर देवता सकल जगत को से भाई कल्याण प्रदान करूथांतु से कल्याण वर्षी दियंकर चरणार बिंद तले शतकोटि प्रणाम पूर्वक आज कार्यक्रम को सैवर्पण वस्तु कला बेले श्रद्धा विश्वास ठाकुर से शिव पार्वती को नमस्कार नमस्कार और नमस्कार।